अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंसेप्ट की दुनिया में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को फेडरल बोर्ड में जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है जो 2020 में पेपर बनेगा उनके हवाले में बताऊंगा। स्टूडेंट, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो मेरा चैनल है उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आप तक आ जाए और मेरी वीडियो अपने दोस्तों तक जो आपके क्लास फेलो है उन तक भी लाजमी शेयर किया करें अगर मेरे वीडियो पसंद आए आप लोगों को। स्टूडेंट देखें, आज चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊँगा। फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट सबसे पहले ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है, साथ इसकी दो तीन एग्जांपल दी हुई हैं वो भी आपको क्या हूँ प्रिपेयर हूँ यानी कि यहाँ तक। इसके अलावा बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन, साथ इसकी एग्जांपल यहाँ से शुरू होती है दीज से लेकर यहाँ तक और डेफिनेशन ये करेंगे, फिर इसकी भी दीज से लेकर यहाँ तक एग्जाम्पल हैं और ये डेफिनेशन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है, विद द डेवलपमेंट ऑफ क्या रूल होता है फील्ड में, साइंस की फील्ड में SI यूनिट का, उसके बारे में। स्टूडेंट एक्सरसाइज की जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आप लोग लाजमी प्रिपेयर करेंगे, बाकी इसमें जो डेफिनेशन है वो भी डेफिनेशन है, प्रीफिक्सेस की पूछ लेता है क्या है और क्यों यूज़ करते हैं इनको स्टूडेंट एक्सप्रेस करने के लिए वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। डेफिनेशन तो स्टूडेंट आप लोगों ने लाजम करनी है, इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आ गई, साथ इसकी एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो इस चैप्टर में लॉन्ग आने के चांसेस हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो 3 लॉन्ग करें इस चैप्टर में से, एक वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गेज और एक है लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर, उसको लाजमी प्रिपेयर करें आप स्टूडेंट। अगर वीक स्टूडेंट हैं सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन कर लें समरी से और इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। इसी तरह पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन, नेगेटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन और ज़ीरो एरर की 3 डेफिनेशन तैयार कर लें स्क्रू गेज की जो वीक स्टूडेंट हैं। इसी तरह स्क्रू गेज की डेफिनेशन, इसका लिस्ट काउंट का फार्मूला याद कर लें। इसके अलावा आ जाएँ स्टूडेंट स्टॉप वॉच है, इसको भी आप अच्छी तरह क्या करें प्रिपेयर करें, शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट वो है सिग्निफिकेंट फिगर, और एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो एक्यूरेसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये यहाँ तक है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। और इसके जो रूल हैं वो ये अपने रूल याद करने हैं इस चैप्टर में, बाकी एक्सरसाइज तो आपको बताया मैंने कम्प्लीट, वो करनी है आप लोगों ने। दूसरे चैप्टर में स्टूडेंट इसमें जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल हैं वो एक स्क्रू गेज वाला और इससे ऊपर एक ये है 2 और एक है ये बालू वाला हेयर्स वाला, ये 3 न्यूमेरिकल प्रोक लाजमी प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर में से। सेकंड चैप्टर पे हैं स्टूडेंट रेस्ट मोशन, इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और साथ एक एक दो दो एग्जाम्पल, इसी तरह स्केलर वैक्टर की डिस्टेंस, विलास्टी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, इनकी डेफिनेशन। और स्टूडेंट अगर आप वीक स्टूडेंट हैं इनमें से सिर्फ दूसरे चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लें और इसकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि हर साल तकरीबन उनका चांसेस होता है, उनको आप लाजमी किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकते, तीनों इक्वेशन को लॉन्ग में भी आ सकती हैं और शॉर्ट में भी, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, इनकी तो डेफिनेशन है और क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 5 एक्सरसाइज का 6, इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन है 12, ये प्रिपेयर करना है। कौन से 12 क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, बाकी मैंने ये निशान लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 ऊपर से हैं और 2 ये लास्ट हैं, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, डेफिनेशन तो आपने करनी है मास्टर। इसके अलावा अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो न्यूमेरिकल भी इसके लाजमी तैयार कर लें, वरना आसान से जो न्यूमेरिकल हैं वो कर लें। इसके अलावा इसकी डायनामिक्स की एक डेफिनेशन है, ये लाजमी पूछता है, डायनामिक्स की प्रिपेयर करें,
बाकी डेफिनेशन है। इनर्शिया की अक्सर डेफिनेशन पूछ लेता है और किस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड चैप्टर में मैं आपको बताया था तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लाजमी हर हाल में करनी है। इसी तरह तीसरे चैप्टर में तीन लॉ न्यूटन के, अगर वीक स्टूडेंट हो तो जो तीन स्टेटमेंट है लॉ की, स्टेट कहते हैं फर्स्ट लॉ, स्टेट मीन का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। ये आपने किसी हाल में नहीं छोड़ सकते, ना तीनों इक्वेशनों को ना तीनों लॉ को। अगर आप जो स्टूडेंट हैं तो लॉ में भी लाजमी प्रिपेयर करें, लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है। और बस वाला ये क्वेश्चन है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, पैसेंजर क्यों गिरते हैं, ये तीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ये स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा मेस और वेट के दरमियान डिफरेंस ये भी लाजमी आप प्रिपेयर करें। इसके अलावा अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो ये टेंशन वाला लॉन्ग में आता है, अगर आपको प्रिपेयर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ज़रूरी नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो लॉन्ग में आते हैं। इसी तरह ये भी एक लॉन्ग है, फोर्स एंड मोमेंटम का ताल्लुक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी स्टूडेंट लॉन्ग है। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट गन वाला, यहाँ से लेकर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये लाजमी करना है हर स्टूडेंट ने। इसके अलावा अगर आ जाए तो ये डेफिनेशन है फोर्स फ्रिक्शन की, डेफिनेशन है फ्रिक्शन की, सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफ्रिक्शन, और एक मेथड है, ये आप लोगों ने भी लाजमी प्रिपेयर करने हैं, मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, ये भी हमारा क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह आप क्या करें प्रिपेयर करें, ये लाजमी करना है अभी स्टूडेंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हैं ये जो हैं बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन, क्रीम स्प्रेडर, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसमें एक्सरसाइज में से आ जाए स्टूडेंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है स्लाइडिंग फ्लोर रोलिंग फ्रिक्शन वाला, मैस वेट वाला, इसके स्टूडेंट जितना भी ये क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपको ये शॉर्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आ चुके हैं तकरीबन ही, इनमें से कोई नहीं है, आप सिर्फ छोड़ना चाहते हैं तो एट को छोड़ सकते हैं और बाकी कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट है सारे, कोई ना कोई आ जाता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर फोर पे हैं स्टूडेंट लाइक की अनलाइक की और पैरेलल की डेफिनेशन, एडिशन और रिजल्टिंग ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन या रिजल्टिंग ऑफ फोर्स पूछता है, हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन समरी से तैयार करेंगे, और ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, इसी तरह ये भी लॉन्ग के लिए वेरी वेरी क्या है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है इनकी, मैस ऑफ सेंटर ऑफ मैस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट कंडीशन की इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कपल की, कपल भी स्टूडेंट अक्सर आ जाता है लॉन्ग में, इसको भी प्रिपेयर अच्छी तरह करेंगे, कंप्लीट करेंगे ये कपल, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, बाकी आपने डेफिनेशन इसमें तैयार करनी है। इसके अलावा स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इनकी डेफिनेशन और साथ साथ एक आप लोग एग्जांपल देंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर फाइव पे आ जाएं तो ये भी स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इसकी, चाहे अगर लॉन्ग नहीं कर सकते तो शॉर्ट लाजमी करें, इसको किसी हाल में नहीं छोड़ना, आपने डेफिनेशन लिख लें वो डेफिनेशन के मुताबिक यही लिखना है आप लोग, ये भी लिख लें। इसके अलावा एक डेफिनेशन है ये ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन तैयार करें। इसके अलावा मैस ऑफ अर्थ ये भी स्टूडेंट हमारा क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ जी की वैल्यू क्यों होती है, सिंपल आप भी लिख सकती हो कि जो फार्मूला है जी एच, क्योंकि इसमें आर के और डिस्टेंस के जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ाने से इसकी वैल्यू क्या होती है कम होती है। इस चैप्टर में फाइव चैप्टर जो है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक जीपीएस सिस्टम क्या होता है शॉर्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की आपने स्टूडेंट सिर्फ क्या करनी है यहाँ से डेफिनेशन तैयार करें, और उसके अलावा ये है पूछता है डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, साथ पूछता है उसकी मोशन को एक्सप्लेन करो, तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो इसकी डेफिनेशन तैयार कर लें, बाकी ये थोड़ा सा इसको छोड़ दें ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो, वरना ये कंसीडर से लेकर ये इसकी डेरिवेशन तैयार कर लें, इसके बाकी न्यूमेरिकल कर लें वो भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो भी आप अगर आपको आते हैं स्टूडेंट कर लें।
इसके अलावा सिक्स चैप्टर पे हैं वर्क की डेफिनेशन, वर्क के यूनिट की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन, कनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए स्टूडेंट। कनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी किसके लिए है? लॉन्ग के लिए। अगर लॉन्ग नहीं तैयार कर सकते स्टूडेंट की डेफिनेशन तैयार कर लें। बाकी इसमें आ जाए तो हम इसमें से स्टूडेंट एक एनर्जी फ्रॉम सन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इसके अलावा मैस एनर्जी इक्वेशन, इसको करें तैयार। इसके अलावा एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, पावर की डेफिनेशन और इसके यूनिट की डेफिनेशन, इसको बस तैयार करें, इसमें से ज़्यादा नहीं है। इसके स्टूडेंट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी अच्छी तरह कर लिए क्योंकि सारे बुक वाले ही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 पे हैं तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। बाकी एक प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ लें, डेंसिटी की डेफिनेशन साथ कितना होती है वाटर की डेंसिटी उसके बारे में भी पता हो स्टूडेंट। प्रेशर की डेफिनेशन तैयार कर लें बस, और एक यूनिट है इसका ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके अलावा आ जाएं तो लॉन्ग के लिए पहला लॉन्ग आपका ये है, लॉन्ग क्वेश्चन है पहला इस चैप्टर में। दूसरा जो पास्कल लॉ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन यहाँ से तैयार करनी है, बाकी कोई एक एप्लीकेशन पूछता है ज़्यादातर वो हाइड्रोलिक प्रेस की पूछता है, ये वाली लॉन्ग में पूछता है, डेफिनेशन पूछता है साथ ये क्वेश्चन पूछता है, ब्रेकिंग सिस्टम वाले भी पूछ सकते हैं लेकिन कम चांसेस होते हैं। इसी तरह जैसे पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर में। इसके अलावा डेंसिटी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये इसको स्टूडेंट यहाँ तक पढ़ना है आप लोगों ने, और साथ इसकी डेफिनेशन। सिर्फ पूछ रहा है कि कब ऑब्जेक्ट तैरता है कब डूबता है, तो सिर्फ सिंपल स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्टोन वाला आ जाए, सबमरीन वाला आ जाए, शेप वाला आ जाए, वोट ब्लॉक लकड़ी वाला आ जाए कि कैसे तैरती हैं, तो आप कहोगे सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के प्रिंसिपल के मुताबिक तैरती हैं, और कब तैरेंगे और कब डूबेंगे, डूबने का मीन सिंक और कब फ्लॉट करेंगे, सिंपल स्टूडेंट एक ही सब में आंसर लिखें। इफ़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल, अगर ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल हो अप थ्रस्ट के, या इफ़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन थ्रस्ट फोर्स से, ऑब्जेक्ट का वेट लेस देन हो तब तो वो क्या करेगा फ्लॉट करेगा, अदरवाइज कब डूबेगा एक ही कंडीशन है, जब वेट ज़्यादा हो और अप थ्रस्ट फोर्स कम हो तब भी ऑब्जेक्ट डूबता है, अदरवाइज दोनों बराबर हों तब भी तैरेगा, अगर अप थ्रस्ट ज़्यादा हो वेट कम हो तब भी ऑब्जेक्ट तैरता है, इसको लाजमी तैयार करना आपने। इसी तरह इसकी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, स्ट्रेस की डेफिनेशन और टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन, हुक्स लॉ की डेफिनेशन फिर तैयार कर लें। यंग मॉडुलस आप स्टूडेंट भी लॉन्ग के लिए तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये 2-3 बार आ चुके हैं, आसान सा ही है। इसके अलावा इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, एक ये हो गया न्यूमेरिकल 5 है 6 है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये इसका न्यूमेरिकल है 1 8, इसको भी आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। चैप्टर 9 पे आ जाएं स्टूडेंट, 8 पे टेम्परेचर की डेफिनेशन, इधर से किसकी है हीट की डेफिनेशन, इंटरनल ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन अक्सर आ जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मामीटर जो हम यूज़ करते हैं इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है 6-7, ये अभी आपने लाजमी हर हाल में करनी है। इसके अलावा ये इसके ये जो फार्मूले हैं कन्वर्शन के, ये आप सिर्फ याद कर लें, एक फार्मूला ये है दूसरा फार्मूला ये है, इसी से दूसरा निकालना है 273 को इधर ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा, इसी तरह अगर सेल्सियस निकालना है फ़ारेनहाइट से 32 को इधर माइनस कर दो 1.8 पे डिवाइड कर दो तो सेल्सियस में, दो फार्मूले ये याद करने हैं, इनसे दो बाकी निकालने हैं। इसी के अलावा इसका की डेफिनेशन है जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ये लाजमी करें, और ये स्टूडेंट लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए ये लाजमी करें क्योंकि अक्सर पूछ लेता है वाटर और सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों ज़्यादा होती है या पानी को क्यों यूज़ करते हैं, ये आपने दोनों पैराग्राफ अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तैयार कर लें स्टूडेंट, लेटन हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन और लेटन हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन। इसके अलावा इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेपोरेशन क्या है डेफिनेशन तैयार कर लें,
और इसकी जो फैक्टर है किन पे ये डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, वेंड पे और नेचर ऑफ सरफेस। ये इसके अलावा दो लॉन्ग क्वेश्चन ये हैं स्टूडेंट, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और एक वॉल्यूम थर्मल। एक ही स्टूडेंट याद करें, जहाँ पे आपको लेंथ नज़र आए वहाँ पे वॉल्यूम डाल दें, बाकी सारा कुछ वही है। इसके अलावा स्टूडेंट अक्सर 2-3 साल हो गए वो पूछ रहा है, भाई मीटर स्ट्रिप ये आपने हर हाल में करनी है और ये वैग गैप क्यों रखे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको भी अच्छी तरह तैयार करें और बाई मेटर स्ट्रेप को भी पूरी तैयार करनी है, साथ इसकी ये डायग्राम भी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आ जाएं तो इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कर लें, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल। 9 पे आ जाएं तो डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन की लाजमी तैयार करनी है। और लॉन्ग के लिए स्टूडेंट एल मीन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन ये है, बाकी ये आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, इसको तैयार करें, बाकी कन्वेंशन की डेफिनेशन, हीट की डेफिनेशन, बाकी ये क्वेश्चन है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा है एक लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला, ये दो क्वेश्चन है और इनके दोनों के आंसर दिए हुए हैं नीचे, ये और एक ग्लाइडर वाला है और एक क्या है बाल्ड वाला, ये जो चार क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन की डेफिनेशन तैयार करनी है और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर से एक कि क्यों, हाँ एक ये है क्वेश्चन दूसरा ये है, इसका आंसर यहाँ तक है और दूसरे का आंसर यहाँ तक है, इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। बाकी यही है स्टूडेंट, और इस चैप्टर के दो न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट हैं, ये भी लाजमी आप लोग क्या करें प्रिपेयर करें। इसके अलावा स्टूडेंट कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।